अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है इग्नोरेंस। हमें जो है अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। समटाइम हमने लाइफ में रूल बनाया होता है कि हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये रूल जो है ये हमारे बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपकी थोड़ी सी इग्नोरेंस, थोड़ी सी लापरवाही बच्चों से बच्चों की पूरी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर जो है वो मर्तब कर सकती है। तो आपको चाहिए कि आप आपस के लड़ाई झगड़ों में या घरेलू किसी बात की वजह से अपने बच्चे की किसी भी बात को अनसुना ना करें। समटाइम क्या होता है, हम जो है बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, उनको डांट डपट करना शुरू कर देते हैं, डंडे लगाते हैं कि बच्चे सुधर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आती है जो कि उनकी आने वाली लाइफ तक जो है वो रहते हैं उनके साथ, और इन रिटर्न जो है ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है ये एंड पे जाके हमें भी बेयर करने पड़ते हैं। बाप हम कहते हैं कि हमारी तरबियत में क्या मिस्टेक हुई है, तो तरबियत में मिस्टेक ये हुई कि आपने स्टार्ट में ही अपने बच्चों को इग्नोर किया है। आपको चाहिए इवन आप मियाँ बीवी या समियाँ भी, अगर आपके इख्तलाफात हैं, आपकी लड़ाई हो रही है, आप एक दूसरे को नहीं बुला रहे, तो इसका इफेक्ट जो है बच्चों पर नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक बच्चा आपके पास आता है और वो कुछ कहना चाहता है, वो आपको बता रहा है कि नहीं ऐसे हुआ है, नहीं ऐसे हुआ है, तो आपको सुनना चाहिए। एटलीस्ट लिसन टू हिम और हर, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। ये बात आपको समझ नहीं आती है, ऐसा पेरेंट्स आपको सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि जब हम पेरेंट्स बन गए हैं तो हमने अपने बच्चों को सुनना है, क्योंकि हम जो है एक छोटे से बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके हर स्टेप पे उसको सुना जाए, उसको अच्छा बुरा बताया जाए, वो भी प्यार से। डांट डपट से या मारपीट से क्या होता है, बच्चे जो है उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो हर तरह से माइंड में नेगेटिविटी जो है उनके माइंड में आना शुरू हो जाती है कि मैं ये करूँगा तो पापा मारेंगे, मम्मा मारेंगे, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं रहती। तो आपको चाहिए कि आपने बच्चों को प्यार से समझाएं। बच्चे प्यार से भी समझते हैं, डिपेंड करता है आप अपने स्टार्ट में अपने बच्चों को कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सख्ती वाला एनवायरनमेंट जो आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो आपने अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और उसकी हर चीज़ को सुनना है और उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है।